व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बेसिक्स कवर किए थे। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ जिसके थ्रू आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन होता कैसे है, और इस तरीके का बड़ा क्वेश्चन ट्रेडिंग पीएनएल बनाने को आ ही जाता है एग्जामिनेशन में। तो सीख लो बहुत अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे एक एक चीज़, और आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। इसके बाद मैं आपको ब्रांच कराऊंगा, लीज कराऊंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा किसी भी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। चलो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। कोशिश यही रहेगी नवंबर एंड तक अकाउंटिंग काफ़ी हद तक कवर करते हैं ताकि आप दिसंबर में आराम से अपने एग्जाम्स दे पाओ। चलिए लेट्स बिगिन। अब देखो क्वेश्चन कैसा होता है। क्वेश्चन लगभग ऐसा होगा, यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ बिजनेस हैविंग टू डिपार्टमेंट्स। एक बिजनेस है जिसके दो डिपार्टमेंट्स हैं, ए और बी, ठीक है। आगे लिखा हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर ईच डिपार्टमेंट। दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनाने को बोल रहा है। अब ट्रेडिंग पी एंड एल मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, सेम क्लास 11th जैसा बनता है, बस यहाँ पे अब एक की जगह दो डिपार्टमेंट है, तो दोनों को बना देंगे यार, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एक्सपेंसेस में, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस तो एलोकेटेड होते हैं यानी बटे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, वेजेस ए का इतना, बी का इतना, सैलरी ए का इतना, बी का इतना, बट कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, उनको एलोकेट कैसे करें, यही नया होता है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। आओ चालू करते हैं, सबसे पहले काम तो शुरू करें, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। पूरा मेंशन कर देना तरीके से, किस साल का बना रहे हो, फॉर द पीरियड एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, सब लिख देना अच्छे से। ये सारी चीज़ें तुम जानते ही हो यार, बढ़िया, अपना मस्ती में पढ़ के आए हो। ये लाइन टेढ़ी कैसे हो गई। चलो ये आपका एक डिपार्टमेंट, ये दूसरा डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। चलो सर, पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। चलो सर शुरू करें, ठीक है। शुरुआत कहां से होती है बेटा जी, शुरुआत होती है ओपनिंग स्टॉक के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं परचेजेस, देन हमारे पास आती है सेल्स, ये नेट लूंगा मैं यहाँ पे, नेट का मतलब समझते हो, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक, फिर हम हमारे खर्चे देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से फटाफट से चेक करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक कितना है। ओपनिंग स्टॉक 25,000, 20,000, परचेज 230 और 190, 25,20, 230, 190, ये आपकी आ गई परचेजेस, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया। सेल्स कितनी है, सेल्स बच्चों 633 और सेल रिटर्न 3, तो 633 माइनस 3 630 हो जाएगा, 492 माइनस 2 490 हो जाएगा, 630 और 490, 630 490, ये आपकी सेल्स हो गई। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 30,000 18,000, ठीक है। 30,000 18,000, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब हम एक्सपेंसेस पे चलने, थोड़े से खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढने हैं मुझे। एक्सपेंसेस में वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी इनडायरेक्ट है, तो लिख लेता हूँ वेजेस 80 60 80 और 60, टू वेजेस 80,000 60,000, सैलरी को अभी से ही नीचे लिख देता हूँ मैं, टू सैलरी नीचे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक इनडायरेक्ट पी एंड एल में जाता है। सैलरी है 40 और 25, 40,000
एंड 25,000, ठीक हो गया, ये आपका सैलरी आ गया नीचे, चलो सर डन है, वेजेस सैलरी हो गया, ये सब एलोकेटेड थे। अब अदर कॉमन एक्सपेंसेस देख लेते हैं, कॉमन एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। कॉमन एक्सपेंसेस में रेंट है बेटा, रेंट भी मेरे पास इनडायरेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी भी इनडायरेक्ट है, डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट है, सेलिंग भी इनडायरेक्ट है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो चलो सबसे पहले तो जीपी निकाल लो, टेंशन फ्री, ट्रेडिंग अकाउंट तो पूरा हुआ, टू जीपी कैरेट डाउन, डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट देख लेंगे और डिपार्टमेंट बी का ग्रॉस प्रॉफिट देख लेंगे। सर बिल्कुल सिमिलर है, हाँ है क्या इसमें, बिना बात डराया जाता है बच्चों को, 630 + 30 660 490 और 18 508,000 660 - 25,000 230,000 80,000 325,000 तो यहाँ आ गया, ठीक है 490 और 18 508,000 और माइनस 20,000 190,000 60,000 238 ही आ गया, तो देखो बिल्कुल सिमिलर जैसे आप क्लास 11th में बनाते थे उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब इसको नीचे ले आओ, बाय जीपी ब्रॉड डाउन 325 238, सही है। अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सैलरी ऑलरेडी एलोकेटेड था तो वो मैं लिख चुका हूँ, जो अनएलोकेटेड है कॉमन एक्सपेंसेस हैं उनको आपको एलोकेट करना है एज पर योर कॉमन सेंस क्राइटेरियाज। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाए थे कि किस बेसिस पे कौन सा एक्सपेंस एलोकेट किया जाता है, राइट। चलो आओ देखते हैं, सबसे पहले बच्चों रेंट, अब देखो ध्यान से समझना यहाँ पे प्लीज, बड़े ध्यान से समझना भाई, जो रेंट है रेंट किस हिसाब से बांटे, क्या लाइट पॉइंट्स या एसेट्स की अप्लाई या फ्लोर एरिया, कितना कितना किसने एरिया लिया हुआ है भाई। ऑब्वियसली रेंट तो एरिया के हिसाब से होता है ना, तो इतना तो कॉमन सेंस है तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई अगर मेरे पास 3 floors हैं और आपके पास 2 floors हैं तो आपको मुझे 3 floors का रेंट देना है, आपको 2 floors का रेंट देना है, तो रेंट हमेशा फ्लोर एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब देखो फ्लोर एरिया कितना कितना है, 300-200 स्क्वायर फीट में दिया हुआ है, तो 3:2 हो गया एक तरीके से, तो रेंट 15,000 हम 3:2 में एलोकेट कर देंगे, तो 3:2 के हिसाब से कितना कितना आता है, 15,000 इंटू 3/5 9,000 और 15,000 इंटू 2/5 6,000, तो रेंट तो इस तरीके से एलोकेट हो जाएगा 9 और 6, लिख लें तो हाथ आ जाओ, रेंट टू रेंट मैं यहां पे लिख भी देता हूं 3:2 में 9,000 और 6,000, ये हमारा रेंट आ गया, यही है इसके अंदर बस एलोकेशन कैसे करना है और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए देखो लाइट पॉइंट्स दिए हुए थे, कहाँ पे कितने लाइट पॉइंट्स हैं, ए में 18 हैं, बी में 9 हैं, तो 2:1 हो गया, तो 6,000 को 2:1 में 4:2 4,000 ये इलेक्ट्रिसिटी आ गई, दिस इज इन 2:1, जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा लाइट पॉइंट्स हैं उस डिपार्टमेंट में ज्यादा बिजली का बिल आएगा, जिसमें कम लाइट पॉइंट्स हैं उसमें कम बिजली का बिल आएगा, और है क्या, इलेक्ट्रिसिटी भी लिख दिया सर डन। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का बेस क्या बनेगा, एसेट्स कितने किसके पास हैं, ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ एसेट्स 150 120, तो 3 5 15 3 4 12 5:4 18,000 का डेप्रिसिएशन 5:4 में अगर आप बांट दो तो 10,000 8,000 5:4 2 डेप्रिसिएशन 5:4 डेप्रिसिएशन मैंने 5:4 में बांट दिया। उसके बाद मेरे कौन से एक्सपेंसेस रह गए, सेलिंग एक्सपेंसेस। अब देखो बच्चों सेलिंग एक्सपेंसेस हमेशा सेल्स की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो सेल्स कितनी कितनी थी मेरे पास, 630 और 490
60:490 तो 40 से 40 ख़त्म, 63:49 63:49 को क्या हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 63:49 को 9:7 में बांट दो सेलिंग एक्सपेंसेस को। टू सेलिंग एक्सपेंसेस 9:7 और देखें जरा 9:7 सेलिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 8,000 रुपये के। 8,000 को 9:7 कहाँ है मेरा कैलकुलेटर? 8,000 × 9/16 यह आ जाएगा 4,500 और 3,500 हो गया क्वेश्चन। बस अभी तक आप क्लास 11th में क्या करते थे? क्लास 11th में आप जो लिखते थे P&L, यहाँ पे लिख देते थे टू नेट प्रॉफिट, है ना। लेकिन यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट नहीं लिखोगे, अब आप इसको ट्रांसफर करोगे जनरल P&L में। जनरल P&L इसने हमें बनाने को नहीं बोला, जनरल P&L में अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट को, और फिर वो खर्चे जो एलोकेट नहीं हो पा रहे, अभी आगे आएंगे कुछ खर्चे जो एलोकेट ही नहीं हो पाएंगे, उसको जनरल P&L में लिखेंगे और एक P&L फाइनल बना के नेट प्रॉफिट निकाल देंगे। इस तरीके से डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग चलती है, समझे? कुछ भी टिपिकल नहीं है, बस प्रोसेस को समझो, करते चलो, प्रैक्टिस बढ़ाते चलना, तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट? चलो अब हम क्या लिखेंगे, टू क्या आएगा हमारे पास, टू जनरल P&L अकाउंट, जो भी फाइनल प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो जनरल P&L में जाएगा। यहाँ पे तो प्रॉफिट ही आएगा क्योंकि खर्चे कुछ भी नहीं है, सही है जी। 3,25,000 पहले A का निकाल रहा हूँ, 3,25,000 इसमें से A के खर्चे, ये वाले 9,000, 40,000, 4,000, 10,000, 4,500 257,500 तो A का आ गया। अब B का देख लेते हैं, 238 माइनस 6,000 25,000 2,000 8,000 3,500 193,500 ही आ गया। अब देखो दिस इज हाउ सारी चीजें होती हैं, 257,500, 193,500 ये आपका नेट प्रॉफिट है एक तरीके से, जो जनरल P&L के नाम से हम लिखते हैं, क्योंकि कुछ अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस भी होते हैं जो नहीं हो पाते, वो फिर आगे चले जाते हैं जनरल P&L में, ठीक है। दिस इज हाउ यू क्रिएट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, एलोकेशन भी समझ में आया होगा कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। पिछली क्लास में मैंने आपको पूरी टेबल दी थी कि कहाँ पे कौन से एसेट को कैसे एलोकेट किया जाता है, कौन से खर्चे को कैसे किया जाता है। समझ के चलो, प्रैक्टिस करो और बहुत आसानी से चैप्टर हो जाएगा, दिस इज सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, आज के लिए इतना ही। परसों हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और इस वीक के एंड में इसको ख़त्म कर देंगे, मतलब दिस इज द टारगेट कि हमारे ये वाले ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को हम लोग इसको ख़त्म कर दें, एंड नेक्स्ट फिर जो तुम कमेंट्स में बोलोगे वो चैप्टर इसके बाद करा देंगे। या तो कराऊंगा ब्रांच और या फिर कराऊंगा रॉयल्टी, ब्रांच या रॉयल्टी में से एक चैप्टर कराऊंगा, एंड बस इसी तरीके से हमारी चीज़ें होती चली जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, पूरा का पूरा सपोर्ट चाहिए, शेयर करना सारे UG वाले स्टूडेंट्स तक, एंड इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।